दोस्तों आज हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का लेक्चर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं और आज के हम इस लेक्चर में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। आज हम सीखेंगे पार्टनर्स के हिस्से का सैलरी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम आज सीखेंगे कमीशन कैलकुलेट किया जाता है पार्टनर्स के हिस्से का कमीशन कैसे। तो ये इसके लिए चार हमारे असाइनमेंट का है। असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 चार क्वेश्चन आज हम करेंगे और चार क्वेश्चन करने के बाद चाहे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का किसी भी तरह का ट्रीटमेंट आता आप कर सकते हैं, पार्टनर्स का शेयर का सैलरी कैसे कैलकुलेट किया जाता है कर सकते हैं, पार्टनर्स कमीशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है आप इसके मास्टर बन जाएंगे। तो हमें चार क्वेश्चन करना है आज फटाफट। तो जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 10 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप अपने असाइनमेंट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल ऑफ रुपीज 1,20,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अक्टूबर 2020 बैट एंड बॉल गेव लोन ऑफ रुपीज 2,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। हाँ जी, यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि बैट और बॉल जो है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 में और उनका कैपिटल जो है वो 1,20,000 और 60,000 रुपये है। 1 अक्टूबर 2020 को क्या बोला है कि बैट और बॉल दोनों ने लोन दिया है, किसको दिया है, फर्म को दिया है। बैट ने कितने रुपए का दिया है, 2,40,000 रुपए का और बॉल ने दिया है 1,20,000 रुपए का। आगे लिखा है बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर मंथली रेंट ऑफ रुपीज 5,000। आगे लिखा है कि बैट ने अलाउ किया है, बैट एक पार्टनर है और पार्टनर का कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है अगर वो फर्म को देता है तो फर्म के लिए उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि फर्म ने बाहर किसी से, बाहर वाले से उसने रेंट पे लिया है। तो इसके लिए रेंट जो है वो कितने रुपए का रेंट है, 5,000 रुपये पर मंथ है। तो जैसे अगर मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा ये फर्म है, इस को मैंने रेंट पे लिया है, तो अगर ये रेंट पे मैंने किसी बाहर वाले से लिया है, थर्ड पार्टी से, तो उसको जैसे मैं रेंट देता हूँ वैसे ही पार्टनर से अगर हमने कोई पार्टनर है और पार्टनर ने ही अपना प्रॉपर्टी जो है घर दे दिया है बिजनेस यूज के लिए तो उसको एक्सटर्नल लायबिलिटी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही चार्ज किया जाएगा। ये बिजनेस का एक्सपेंस माना जाएगा, बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। आगे लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू रुपीज 9,000 शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। लॉस दे दिया है क्वेश्चन में, अब लॉस दे दिया कितने रुपए का, 9,000 रुपए का, और ये वो लॉस है जो कि रेंट चार्ज करने से पहले। अब देखो इस क्वेश्चन में क्योंकि पार्टनर्स के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन में कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी कि प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है। आपको मालूम है ना, तो लॉस किधर जाता है, डेबिट साइड जाता है। जैसे आप P&L ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाना सीखा था तो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर इधर आता है GP और इधर आता है भाई ग्रॉस लॉस, तो ग्रॉस लॉस P&L में कहाँ जाता था, P&L में जो है ये ग्रॉस लॉस इधर आता था ना डेबिट साइड में। तो सेम वैसे ही दे रखा है यहाँ पे टू लॉस। सीधा सीधा आप सैलरी लिख देंगे, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि सैलरी चाहे पार्टनर को दिया जा रहा है या बाहर वाले को दिया जा रहा है फर्क नहीं पड़ता, फर्म के लिए एक्सपेंस है और उसका जनरल एंट्री एक ही होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर पेमेंट कर दिया गया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अगर पेमेंट नहीं किया गया है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है सर। हमें P&L अकाउंट से चार्ज करना है तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है। तो यहाँ पे लॉस बिफोर सैलरी आपका क्वेश्चन में 9,000 रुपये दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, सीधा सीधा कमीशन कैलकुलेट, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो यहाँ पे दो पार्टनर है बैट एंड बॉल, तो हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन बैट्स लोन और दूसरा होगा इंटरेस्ट ऑन बॉल। कितने रुपए का है दोनों का, इसने दिया है फर्म को 2,40,000 रुपए का लोन और दूसरे ने लोन दिया है 1,20,000 रुपए का।
अब ये 1,20,000, क्या इस पूरे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, और नहीं दे रखा होता तो हम कितना परसेंट कैलकुलेट करते हैं? 6%। तो अब जल्दी से 6% करेंगे कैलकुलेट, दोनों में 6% के लिए होगा। और रेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? रेट तो 6% हो गया। कब इसने दिया लोन? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2021 आने में कितना? 6 महीने। तो 6 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा, जल्दी से आप कैलकुलेट करिए। इसका आ गया 3600 रुपये, कमाल है, 7,236 रुपये आसानी से कैलकुलेट हो गया। आपको मालूम है कि बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉर्मल एक्सपेंस है, इंटरेस्ट है फर्म के लिए, और जो भी नॉर्मल एक्सपेंस होता है बिजनेस का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, पीएनएल से चार्ज किया जाता है। तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, तो डेबिट साइड में क्या लिख देंगे? सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन दो पार्टनर है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कह लो। क्या क्या नाम है? बैट का और बॉल का। तो 7,200 रुपये इसका है और 3600 रुपये इसका है, तो कितना आ जाएगा ये आपका? 10,800 रुपये, कमाल है। और सैलरी रेंट भी है, तो रेंट सीधा सीधा रेंट लिख देंगे। रेंट टू बैट या बॉल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस का एक्सपेंस है। 5,000 रुपये पर मंथ है तो 6 में 12 साल के लिए कितना आ जाएगा? 60,000 रुपये आ जाएगा। खत्म हो गया पूरा का, ये लॉस में ही चला गया है। तो कैलकुलेट कर लीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये 79,800 आ गया, पूरा का पूरा क्या आ गया? लॉस आ गया। और पूरा का पूरा जो लॉस आ गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू। लॉस ट्रांसफर टू क्या नाम होगा? बैट एंड बॉल। कितना आ जाएगा ये? 79,800 है, और 79,800 को दोनों पार्टनर में बांट देंगे। किस रेशो में बांटना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ऊपर दे रखा है 2:3 रेशो, तो 2:3 रेशो में हमें बांटना है। तो आप बांटेंगे तो आ जाएगा आपका 31,920 और 47,880। तो ये आपका 31,930 और दूसरे का है 47,880। इस क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स फ्लैक्चुएटिंग नहीं बोला, तो हम फ्लैक्चुएटिंग मानेंगे, और जो भी लॉस हो या जो भी प्रॉफिट हो हम कहाँ पे? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम कम ट्रांसफर करते हैं पीएनएल से जब प्रॉफिट होता है, जब प्रॉफिट नहीं है तो बटेगा फिर क्या। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। हम फटाफट क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 जल्दी से कर लेते हैं, नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं और 12। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है? सैलरी और कमीशन टू पार्टनर हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:2:1। ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹1,10,000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू ए। यानी कि आपको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में कि ए का कमीशन कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कैलकुलेशन ऑफ एस कमीशन। अब ये कैलकुलेशन ऑफ एस कमीशन बोला है, तो कैसे बोला है? 10% इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। ऑन नेट प्रॉफिट बोला है, इसका मतलब बिफोर है। क्या मानेंगे हम इसको? बिफोर। कमीशन कैलकुलेट करने के दो रास्ते हैं, कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब ये है, ये उस प्रॉफिट पे कैलकुलेट किया जाएगा जो सारे एडजस्टमेंट माइनस करने के बाद, मतलब आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो दोनों में अंतर क्या है? इसमें सीधा सीधा नेट प्रॉफिट जितना होगा उस पर जितना परसेंट कमीशन बोला है उतना हम कैलकुलेट कर लेंगे, बट इसमें क्या होगा कि जो रेट होगा उसमें 100 डिवाइड में प्लस रेट, यानी जो ऊपर जितना रेट है वो ऐड हो जाएगा। बस यही है बिफोर और आफ्टर में अंतर। तो हम यहाँ पे अगर बात करें एस कमीशन, तो ए का जो कमीशन कैलकुलेट होगा वो प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 1,10,000 रुपये दे रखा है, और रेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 10% दे रखा है। तो इसका मतलब कितना आ गया आपका? 11,000 रुपये आ गया ए का कमीशन। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली एज पर द पार्टनरशिप डीड, जेड इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। हाँ जी, यानी कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, उसमें ऐसा कुछ नहीं बोला। अगर क्वेश्चन में या तो सीधा सीधा बोल देगा कि कमीशन कैलकुलेट कर रहा हो ऑन नेट प्रॉफिट, और सिर्फ ऑन नेट प्रॉफिट बोला और क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो, तो हम मानेंगे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और अगर क्वेश्चन में बोल दे कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तब तो यही है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। बट क्वेश्चन में अगर आफ्टर बोल दे, दो तरह से बोल सकता है, या तो बोलेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोलेगा क्वेश्चन में, या फिर बोलेगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अगर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट क्वेश्चन में लिखा है, तो इसका मतलब आपको आफ्टर वाला फॉर्मूला लगाना है और नीचे रेट ऐड हो जाएगा जितना रेट ऊपर आपने लिखे हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल दिया कि 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर वाला लगाना है। द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज ₹220,000। जेड का कमीशन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो जेड्स कमीशन कितना है, ₹220,000 जो है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट प्रॉफिट है। और इस क्वेश्चन में भी कितना परसेंट बोला है, 10% ही बोला है, तो 10% 100 और जितना रेट है ये आपका यहाँ ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ₹220,000 और ये 10 अपॉन में कितना आ जाएगा, 110, तो कितना आ गया ये आपका ₹20,000 आ गया जेड के हिस्से का कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 11 और क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 13 खत्म कर लेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक्स इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। यानी एक्स वाई दो पार्टनर है, एक्स को ₹10,000 पर मंथ सैलरी दिया जाना है एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ओके सर, वाई इज इंटाइटेड टू अ सैलरी ऑफ ₹25,000 पर एनम एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग पार्टनर सैलरीज एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 वॉज ₹4,20,000। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए बोला है, यानी आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। और बिफोर सैलरी, इस क्वेश्चन में पार्टनर का सैलरी और पार्टनर का कमीशन की बात बोला है, तो सैलरी और कमीशन से पहले वाला जो प्रॉफिट है वो ₹4,20,000 का है। तो ₹4,20,000 का आपका प्रॉफिट दे रखा है और यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है दो चीज, एक है पार्टनर सैलरीज और दूसरा जो है वो आपको कमीशन। तो यहाँ पे सैलरी जो है एक्स का कितना दे रखा है, एक्स इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ, यानी एक्स के हिस्से का सैलरी जो है ₹10,000 एक महीने का है, तो एक साल का कितना, ₹1,20,000। और वाई की बात करेंगे तो ₹25,000 पर एनम दे रखा है, यानी कि ₹1,45,000। इसमें मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सीधा सीधा सैलरी तो क्वेश्चन में दे दिया होता है कि कितना है, ठीक है। वाई इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹25,000 पर एनम, ठीक है सर। ये सैलरी का खेल तो खत्म हो गया, आप कमीशन का देख लेते हैं। आप कमीशन वाला जरा देखते हैं कि एक्स इज इंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ, आगे लिखा है एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ओ माय गॉड, यानी कि एक्स का कमीशन बोला है, एक्स कमीशन बोला है आफ्टर सैलरी बट कमीशन बिफोर कमीशन। जब भी एक भी चीज बिफोर आ जाए, क्योंकि आफ्टर, देखो कमीशन कैलकुलेट करने का हमने दो फॉर्मूला सीखा है, बिफोर एक आफ्टर ना, तो बिफोर वाला हम फॉर्मूला जब लगाएंगे जब एक भी एडजस्टमेंट से पहले बोल दे, और आफ्टर कब लगाएंगे, जब जितने भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है सारे एडजस्टमेंट के बाद। तो यानी कि एक्स का जब कमीशन बोल रहा है, तो एक्स कमीशन बोला आफ्टर सैलरी तो बोला है बट बिफोर कमीशन, जब भी कोई एक भी एडजस्टमेंट से पहले आ जाए तो हमेशा बिफोर का फॉर्मूला लगाएंगे, आफ्टर का लगाने के लिए हमेशा ऑल एडजस्टमेंट के बाद होना चाहिए। तो एक्स कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, बिफोर चार्जिंग, बिफोर। तो कितना रुपए दे रखा है प्रॉफिट, तो सबसे पहले प्रॉफिट जो है यहाँ पे आपका कैलकुलेट होगा, कितना रुपए का प्रॉफिट दे रखा है,
प्रॉफिट दे रखा है 4,20,000 रुपये। तो ये 4,20,000 रुपये में बोला है आफ्टर पार्टनर सैलरी। तो पार्टनर का, दोनों पार्टनर का सैलरी कितना है 1,45,000। तो 1,45,000 माइनस कर देंगे, तो 1,45,000 माइनस करने के बाद जो आएगा उसका कितना परसेंट कैलकुलेट कर देना है क्वेश्चन में, सीधा सीधा 10%। तो आप ये 10% कैलकुलेट करेंगे, ये घटाने पे आ रहा आपका 2,75,000 सैलरी घटाने पर आ गया, इसका 10% कैलकुलेट कर लेंगे तो सीधा सीधा 10% जो है वो 27,500 रुपया आ गया। इसी तरह हम वाई का कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे, वाइज कमीशन। और ये जो वाइज कमीशन जो है वो क्या है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। क्या बोला है वाई का कमीशन, आफ्टर पार्टनर सैलरी एंड आफ्टर सच कमीशन। तो इसका मतलब आफ्टर का फॉर्मूला लगाएंगे तो वाइज कमीशन आफ्टर सच कमीशन, आफ्टर सच कमीशन। तो इसका मतलब कौन से प्रॉफिट आफ्टर वाला सर, कौन सा प्रॉफिट होगा, देखिए 4,20,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट था, उसमें से आपने कितना माइनस कर दिए सैलरी, 1,45,000 आपने ये सैलरी माइनस कर दिए, तो आपका आ गया था 2,75,000। और 275 में हमने एक्स को कमीशन भी दे दिया, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टू पार्टनर्स कमीशन। और ये पार्टनर्स कमीशन में एक्स का हिस्सा तो हमने कैलकुलेट कर लिया है ना 27,500, वाई का हमें कैलकुलेट करना है। ये आप वर्किंग नोट नंबर 1 लिख सकते हो, ये वर्किंग नोट नंबर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 1, ये वर्किंग नोट नंबर 2 है। तो 2 से कैलकुलेट, तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तो टोटल प्रॉफिट 4,20 में से सैलरी घटा दो जी 1,45, उसके बाद आप 27,500 एक्स का कमीशन घटा दो क्योंकि आफ्टर कमीशन है, तो इसमें से 27,500 अगर मैं कमीशन घटा देता हूं तो आता है आपका 2,47,500 आ गया। तो इस 2,47,500 इनटू में रेट 10% है और नीचे क्या हो जाएगा, रेट में प्लस हो जाएगा, 100 में रेट प्लस हो जाएगा यानी कि 110। तो मल्टीप्लाई करिए 10, डिवाइड करिए 110 से, तो आ जाएगा आपका 22,500 रुपये। तो ये वाई का शेयर का कम आ गया कमीशन 22,500, टोटल जोड़ देंगे तो टोटल कमीशन दोनों का मिला के 50,000 रुपये आ गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट को बांट देना है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई कैपिटल अकाउंट, इस क्वेश्चन में कहीं भी फिक्स्ड वर्ड यूज नहीं किया है, तो इसीलिए हम किस में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। कितना प्रॉफिट है, 4,20,000 रुपये का प्रॉफिट है, तो आप 4,20 में से घटा दीजिए, कितना घटाना है, सब कुछ घटाने इसमें से ये पूरा घटा देंगे तो आएगा आपका 2,25,000 रुपये। क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है क्या, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बोला है। तो जब नहीं बोला है तो क्या करना है, इक्वल बांट देना है। तो अगर मैं इक्वल बांटूं तो कितना आ जाएगा, 1,12,500 और 1,12,500, कमाल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया है। इक्वल का मतलब दो से आपको डिवाइड कर देना है, तो दोनों का हिस्सा आ जाएगा पार्टनर एक्स और वाई का। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा कंप्लीट हो गया और आज का लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं, थैंक यू सो मच।